आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती, माई आयशा फरमाती और कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने एक तकिया भरा, तकिया भरा ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका टेक ले, उससे आराम करें, तकिया भरा जिस पर तस्वीरें बनी हुई थी। तो वो पिलो पर वो जो तकिया था उस पर जो गलाफ था, उस गलाफ पर तस्वीरें बनी हुई थी, शक्लें बनी हुई थी। और तस्वीर से मुराद सूरत का होना ज़रूरी है, अगर चेहरा गायब हो जाए तो फिर वो तस्वीर नहीं कहलाती, याद रखें। तो उस पर तस्वीर बनी हुई थी, सूरत बनी हुई थी, जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भरा था, मतलब बनाया था। तस्वीरें बनी हुई थी, वो ऐसा हो गया जैसे जो है नक्शी तकिया होता है, नक्शी तकिया होता है, ऐसा तकिया बन गया इसमें नक्श निगार होते लेकिन वो चेहरे बने हुए थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दरवाजे पर ही खड़े हो गए, दरवाजे पे मतलब एंट्री पर ही खड़े हो गए, घर के खड़े हो गए, और आपके चेहरे का रंग मैंने बदलता हुआ देख लिया। क्योंकि नबी किसी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो गैर इस्लामी हो, गैर शरई हो, हाँ सही ना हो, और रहमत के फरिश्ते ना आए, ये तो हो ही नहीं सकते। तो आप पीछे हट गए, आपके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया, आप घर में दाखिल नहीं हुए। माई आयशा ने देख लिया और देखती क्या कहा सुनी, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या गलती हुई बयान कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो हमसे मिस्टेक हुई, आपके चेहरे का रंग बदल गया, हाँ तो बता दीजिए क्या हुआ। ठीक, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ये तकिया कैसा है। अब यहाँ एक नुक्ता और आ रहा है कि एक बीवी को चाहिए कि उसके शौहर के मिजाज से वो समझ जाए क्या मामला है, कि अल्लाह के रसूल का रंग बदल गया, एक तो नबी है और शौहर भी है, कुछ ना कुछ तो मसला है। आपने ये नहीं कहा कि क्या हो गया मेरे से फलां, क्या गलती हुई बस बता दीजिए आप, चूँकि आप नाराज़ हैं। ठीक है, आप नाराज़ है क्या, और सारे सवाल नहीं किए ताकि और इंसान गुस्से में आए, सीधा क्या गलती हुई चूँकि आपके चेहरे का रंग बदल गया आप बता दीजिए ताकि मैं सही कर लूँ। आपने कहा ये तकिया कैसा है, आप समझ गए कि आयशा को नहीं पता कि क्या गलती है उसकी। तो आपने फरमाया कि ये तकिया जो आपने फरमा सल्ला, ये तकिया कैसा है। मैंने अर्ज़ किया ये तो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप इस पर टेक लगा सकें। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई तस्वीर होती है, और ये कि जो शख्स भी तस्वीर बनाएगा क़यामत के दिन इसे इस पर अजाब दिया जाएगा। इससे कहा जाएगा कि जिसकी मूरत तूने बनाई थी या सूरत तूने बनाई थी इसको जिंदा करके दिखा। समझ रहे, जहन्नुम में जाएगा तस्वीर बनाने वाला, कहा जाएगा कि इसमें जान डाल जिसकी सूरत तूने बनाई है, और सूरत याद रखिए चेहरे से होता है, और सूरत के लिए आंख नाक कान का होना जरूरी है तब वो कहलाती है सूरत। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारी बार कुछ किताबें जिसमें ज़रूरी होता है तस्वीरें देना, तो तस्वीरें अगर वो दीनियात की बुनियाद पे किताबें तो आप देखिए आँखों को पट्टी बना देते हैं वो लोग, क्योंकि आँख नाक और कान नहीं होगा तो सूरत नहीं होंगी, फिर तो आँखों को छुपा देते हैं तो ख़त्म सूरत ख़त्म हो गई। फिर कान दिखता है, नाक दिखता है, मुँह, लेकिन आँख नहीं होने से चेहरा ख़त्म हो गया। तो आँख नाक और कान दिखने से सूरत होती है, और चेहरे में ये चीज़ें ज़रूरी होना उसी से सूरत होती है। तस्वीर सुअरा कहते हैं सूरत, उर्दू में हम बोलते सूरत, शक्ल सूरत। ठीक है, ठीक है, तो सूरत ये इसके लिए आँख नाक कान, तो आँखों को छुपा देते हैं। कभी आप देखिए आँखों और कानों को छुपा देते हैं, हो गया, तो आँख को छुपा देना सबसे अच्छा समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बहरहाल तो तस्वीर जिस घर में हो रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब हमको अपना अपना तय करना है, बुलाना है नहीं बुलाना है। घर में आप अखबार बिछाते हैं, देखभाल के बिछाइए, बिछाइए मना नहीं, तस्वीरों को छुपा दीजिए, मार्कर पेन से चेहरे मस्क कर दीजिए, यूज़ कीजिए, ये तो मजबूरी है, अखबार वगैरह बिछाना मजबूरी होती है, लेकिन देखभाल कर। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तस्वीरें मजबूरी है, नोट वगैरह है, करेंसीज वगैरह है, छुपा कर रखिए, खुली मत रखिए, ऊपर मत रखिए, वॉलेट में रखिए, मामला हो गया छुपने का, ये मजबूरियाँ हैं ना। ठीक, हाँ, गुड्डे गुड़ियाँ जो घर में बच्चों के खिलौने होते हैं इनमें मसला नहीं आता, इनके चेहरों की वजह से कोई मसला नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माई आयशा के पास एक घोड़ा था जिसको पर थे, मतलब इमेजिनरी क्रीचर था वो, और आपकी गुड़ियाँ थी, आपने उनको रखने दिया, पता चला कि गुड्डा गुड़िया टेडीज वगैरह ये वो जो खेलने खिलौने वगैरह होते हैं इनके अगर अंदर होते हैं, लेकिन ये भी इनके असली सूरत में ना हो, समझ रहा, मतलब मस्क कर दिया, ऐसा टेडी असल बैर जैसा नहीं बल्कि एकदम मोटा है ना कैसा बना दिया जाता है, तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल रख सकते। तो खिलौने गुड़ियाँ गुड्डा ये ऐसी चीज़ें जो होती इनमें मसला नहीं, लेकिन इसके अलावा तस्वीरें आप नहीं बना सकते, याद रखिए सूरत आप नहीं रख सकते, याद रखिए। ठीक है, तो
السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں جزاک اللہ